मुदहूसली वनुसली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाशतवानरजीम बिस्मिल्लाहमानरहीम सदकल्लाज़ीम। देखने सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन रदा ख्याल, एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूं। और हमारे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा गफ़ार और आप देख रहे हैं स्माइल मीडिया प्रोडक्शन और चिश्ती तारा के ज़ेर एहतमाम खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम आरज़ूए रहमत। जी तो नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान सना खां हमारी प्यारी बहनें तशरीफ़ फरमाएं। मोहतरमा हाफिज़ा इकरा यूनुस साहिबा आपके साथ, मोहतरमा सबा अनवार साहिबा आपके साथ, ननी मुनी छोटी सी बच्ची उरूज कासिम आप तशरीफ़ फरमाएं। मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, अहलम व सहलन मरहबा। मेरे करीम आका का फरमान कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। पता चला कि जिस किसी भी मंजिल पर जाने के लिए पहले उस मंजिल के मुंतखब रास्ते पे चलना ज़रूरी होता है, तभी बंदा किसी मंजिल पे पहुंचता है। और जन्नत एक मंजिल है और उस मंजिल का रास्ता फ़कत हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। इसीलिए मेरे करीम आका ने फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया के वो जन्नत का रास्ता भूल गया। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं और मैं अपनी पहली सना का मेरी मुराद मोहतरमा हाफिज़ा इकरा यूनुस कि मैं उनको दावत दूंगी कि वो हदीया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे सुभान अल्लाह नजर जाती है तो जिंदगी कितने मराहिल गुजर जाती है। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेतलब देता है दिल वाला और बेतलब देता है दिल वाला हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जा। क्या बात है, माशाल्लाह। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुंबदे आब रंग
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मोहतरमा हाफिज़ा इकरा यूनुस, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कलाम, कलाम का इंतखाब और जितना प्यारा कलाम और माशाल्लाह उतने ही प्यारे अंदाज़ में इन्होंने कलाम पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने इतना प्यारा सुर लय कैसे, आपको ये सब कुछ कहाँ से सीखने को मिला और कौन आपके टीचर थे, इंस्पिरेशन? जज़ाकल्ला। मुझे तो बचपन से ही नात पढ़ने का शौक था और मैंने बचपन से ही नात पढ़ने का आगाज़ तकरीबन 10 साल से पहले मैंने नात शुरू की और मैंने अपने भाई से ही सीखी है नात। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, मतलब कि भाई से आपने सीखा? जी, अपने भाई से ही मैंने नात सीखी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद ऐसे ही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। इसी के साथ मैं आज की अपनी मेहमान, मेरी बहन, उनको मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। मोहतरमा सबा अनवार साहिबा, आप आएँ बारगाह बेकसपना में हदिया अकीदत के फूल निछावर करें। मोहतरमा सबा अनवार, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब।
माशाल्लाह। तेरे दर दी गदाई मैनु रासा गई है। क्या कहने माशाल्लाह, बहुत मोहतरम बन गए। क्या बात है, वाह 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 वाह।
तेरे दर्दी गदाई मैनू रासा गई है मेरी वीरानी जिंदगी विच क्या ठाठा गई है क्या कहने बाबा तेरे दर्दी गदा सुभान अल्लाह तेरे दर्दी गदाई रास आ गई। माशाल्लाह खूबसूरत कलाम का इंतखाब बाकमाल आवाज। मैं उस्ताद जी को देखते ही मैंने कहा जी तालू की सुरीले घर के साथ है आपका तो माशाल्लाह खूब पढ़ते होंगे। जनाब मरहूम एजाज कैसर साहब के कुलखानी के ख़त्म पे आपसे मुलाकात हुई थी और शर्फ हासिल हुआ था आपको सुनने का भी। जब आप इतना खूबसूरत पढ़ते हैं तो बच्चे भी फिर खूबसूरत ही पढ़ते होंगे। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह बाकमाल और खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है और जारी बात है आपकी मेहनत उनकी आवाज़ और सुर लय में बोल रही है। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। जी जी मैं उनसे एक दो सवाल आपके मुतल्लिक ही करना चाहूँगा और नात खानी के हवाला से कि माशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत कलाम और इतनी खूबसूरत अदायगी से पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मालिक कबूल फरमाए। लेकिन ये इतनी खूबसूरती से पढ़ने का जो राज है मैं आपके अपने लफ्ज़ों से सुनना चाहता हूँ। आपके उस्ताद ग्रामी कौन है और इतनी मेहनत जो आप पे उस्ताद की जानिब से की गई है आप अपने लफ्ज़ों में इजहार ख्याल करें मेहरबानी। जी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अशरफ अली खान साहब हैं माशाल्लाह क्या बात है। तो जो कि जब मैं जिधर भी जाती हूँ मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ क्योंकि मेरा उनके बगैर दिल ही नहीं रखता और ना उनका मेरे बगैर लगता है। और एक और बात है उनका मुझ पर बहुत रहम और करम है बहुत एहसान है। मैं उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत और बचपन से उनसे सीख रही हैं। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बचपन से मुझे बहुत शौक है और 3-4 साल हो चुके हैं मेरा हमारा उनसे तलक है तो वो मेरे उस्ताद और मैं उनके शागिर्द माशाल्लाह बड़ी बात सब है। कुछ उनके पैरों के सदका है सब कुछ उनके सदके कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और होना भी ऐसे चाहिए कि किसी भी जो बंदा हो किसी मुकाम पर बैठा हो तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है और वो टीचर की सूरत में अमूमन देखा जाता है और इतनी अच्छी उस्तादी के साथ और शागिर्द ने जो अल्फाज अलकाबात आपकी शान में बयान किए हैं बिल्कुल भी कोई कमी कोताही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मालिक नात इसी तरह ये जो नात का सिलसिला रवा दवा है ता कयामत इसी तरह हुजूर की मिदहाल सराई करते रहने की मालिक तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हम अगली मेहमान की तरफ सफ़र करते हैं। जन्नत ना मांग ज़ियारत हुजूर की जन्नत ना मांग ज़ियारत हुजूर की खैरात मांगनी है तो फिर बेमिसाल मांग जन्नत ना मांग ज़ियारत हुजूर की खैरात मांगनी है तो फिर बेमिसाल मांग। जी तो नाज़रीन इसी के साथ हम अपने अगली छोटी नन्ही सी सनाखा जिनको आप इसी चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे बार बार देखते हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी मेरी मुराद मोहतरमा रूज कासिम साहिबा से कि वो सना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा आई याद फिर मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है मदीने को जाने के लिए काश मैं उड़ती फिरूं खाके मदीना बनकर और मचलती रहूं सरकार को पाने के लिए मेरे लजपाल ने मुझको रुस्वा ना होने दिया जब पुकारा आए हैं बचाने के लिए ये कब्र नहीं छोड़ दे जमाना मुझको मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए। इनको मेरी जगह पे ले आए ये बहुत अच्छा बोल रही हैं माशाल्लाह क्या बात है। बिस्मिल्लाह शुरू करें माशाल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है क्या
बात है, वाह 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 वाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार बाहर
प्यार आपसे। बाहर आप से छोटी सी नन्ही सी शहजादी जिन्होंने नात इस तरह पेश की कि हम यूं कह ले कि इश्क़े रसूल का ताल्लुक उम्र से कहाँ होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज और क्या ही बच्ची ने माशाल्लाह पढ़ी सुर की। मैं तो कहती हूँ कि आप सुर की शहजादी हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पढ़ा आपने। रिदा, इसमें एक और बात भी है। हाँ जी, शायद आपने तवज्जो की हो, एक आवाज में नफासत चेक करें उसकी। जी जी, कहीं पे भी आवाज खराब नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर उससे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इसका चेक करें कि सबसे जरूरी होता है नाद के साथ आवाज और आवाज के साथ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वो जो शेर है जिस मुताबिक शेर है वही इशारे, वही बॉडी लैंग्वेज, वही मूवमेंट
क्या बात है माशाल्लाह। और ये आपका पख्तून लिबास जो है लिबादा, क्या बात है, हर तरह से अलग अलग से दाद दें तो वो कम पड़ जाएगी माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत आला नाज़रीन, ये थे हमारे जीते रहे आप। हाँ, और इसी तरह अल्लाह करे आप हमेशा हुजूर की नाते पढ़ते रहें। आमीन। और ये चटपटी चीज़ों से आपने दूर ही रहना है ताकि आवाज़ हमेशा ठीक रहे माशाल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आरजुए रहमत। बख्शिश कले के सबकी।